तो क्या हाल चाल सत्या मैहूनी और मैन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि क्यों बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स जैसे कि विराट कोहली शुभमन गिल मोहम्मद सिराज बिल्कुल भी खुश नहीं है जहाँ का पता ही होगा कि करेंटली डब्ल्यू फाइनल चल रहा है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच में एंड ये बहुत बड़ा मैच है यार आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल ही है नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया टारगेट चेस कर रही है फोर का कल लास्ट डे बचा हुआ है उनको और टू हंड्रेड एंड एट्टी रन मारने बट अगर तो वो ये टारगेट को चेज नहीं कर पाते देन ऑस्ट्रेलिया जीत जाएंगे अब कल ऐसा क्या हो गया कि बहुत सारे क्रिकेटर्स नाराज हो Well, शुभमन गिल कल जब बैटिंग कर रहे थे तब उनके बैट में एज लगा गली के पोजिशन में बहुत बड़ा हो गया। जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हो कि थोड़ा सा लग रहा है की बॉल ग्राउंड में टच कर रहा है course, बॉल में टच हो रहा है तो शुभमन गिल को आउट नहीं देना चाहिए बट उनको आउट दे दिया गया था काफी सारे क्रिकेट फैंस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे उनको लग रहा था ये नॉट आउट है अच्छा नहीं लगा कि अंपायर ने जूमर क्यों नहीं यूज किया भाई डब्ल्यू फाइनल है इतना बड़ा मैच है टेक्नोलॉजी इतना सारा है तो आप जूमर क्यों नहीं यूज किए डिसीजन को लेते वक्त अब ऑफकोर्स अंपायर ने आउट दे दिया तो शुभमन गिल को जाने लगा चाहे जितना भी वो नाराज हो बट ब्रेक के दौरान ये कैच के कुछ क्लियर इमेजेस आए आप देख सकते हो पीछे वाले एंगल से कुछ ऐसा दिख रहा था ये कैच एंड अगर हम लोग इसको जूम करके देखेंगे तो आप देख सकते हो बॉल काइंड ऑफ ग्राउंड को टच कर रहा है जैसे ये डिसीजन को आउट दिया गया क्राउड चैंट करने लगे चीटर चीटर इतना ही नहीं जब कैमरन ग्रीन बॉलिंग करने आए जिन्होंने कैच पकड़ा उनके ऊपर भी क्राउड चैंट करने लगे चीट चीट स्टेडियम के फैंस तो गुस्सा थे बट hey, ऑनलाइन भी फैंस कुछ ऐसे ट्रेंड चलाने लगे चीटिंग नॉट आउट ये तो था चलो फैंस का रिएक्शन चलिए अब क्रिकेटर्स का देख लेते फर्स्ट ऑफ ऑल शुभमन गिल खुद ये फोटो को शेयर करते हुए मैग्निफाइंग ग्लास का इमोजी डाले कि भाई जूम करके तो देख लेते ग्राउंड में टच हो रहा है बॉल इसके बाद विराट कोहली अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कोड शेयर किए इफ वी हैव टू मेनी एंड लविंग प्रैक्टिस सिराज भी अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी शेयर किए साइलेंट यू जस्ट हैव टू स्टे साइलेंट बिकॉज नो वर्ड्स कैन एक्सप्लेन इज गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड हार्ट इनडायरेक्टली सिग्निफाइंग उनको शांत रहना होगा सब कुछ वो खुलकर नहीं बोल सकते हैं क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी ये ट्वीट किए थर्ड अंपायर वेन मेकिंग डिसीजन ऑफ शुभमन गिल इन कंक्लूसिव एविडेंस वन इन डाउट इट्स नॉट आउट रवि शास्त्री भी कहे आई थिंक शुभमन गिल्स कैच टच द ग्राउंड अब ये तो था इंडियन प्लेयर्स का पर्सपेक्टिव चलिए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का भी पर्सपेक्टिव देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरन ग्रीन खुद इसके बारे में बात करते हुए ये कहे आई डेफिनेटली

नहीं हारा ये हिस्ट्री है। इट्स टू गेट ऑल दी मनी यो टीवी शो ब्रांडेड कपड़े भाड़े पे ला रहे और एक दो खरीदे तो स्टोरी पे दिखा रहे सौ वाली चप्पल और दो की टी शर्ट रैप कर रहे तब से से हम कब से मचा रहे। इसके बाद MC Stan अपने चैनल में एक पोल डाले क्या बोलती गैंग डिस्ट्रैक्ट लाऊं या एल्बम जैसा की आप देख सकते हो मैक्सिमम लोग वोट किए की कि ट्रैप तो

ये बनता है और ये इंडिपेंडेंट सीन से एड़े चाले मत करो भाई अगर तारीफ नहीं करने का मेरे बारे में तो बुराई भी मत करो कहीं पे किसी के गाने का लाइन गा दे ले वो ये मजा आ रहा हंसी आ रही मत हंसू रे अपना करो मैं अपना कर रहा हूँ मैं अलहमदुल्ला अच्छा म्यूजिक बना रहा हूँ अपना किसी को उंगली किया क्या नहीं किया कोई बुरा बोलेगा तो बुरा बोलेंगे भाई कोई एड़े चाली करेगा तो करेंगे भाई खोटा नाम वाम क्या है मस्ती दिख रहा है इधर पे कोई भी किसके बारे में भी कुछ भी बोल के जाएगा मतलब इज्जत है कि नहीं भाई इज्जत करो ना दूसरे आर्टिस्ट की इज्जत करो तो आर्टिस्ट इज्जत करेगा और ये खोटा पटेली मत करो अगर लग रहा है कि गलत हूँ तो बोलो ना मत करो भाई मैसेज करो कि भाई फील हुआ मेरे को गलत है ऐसा यहाँ से एक बार कॉल करेंगे माफ़ी मांगेंगे उसके बाद जाके दस जगह पे हाँ वो वो बंदा ये है वो बंदा वो है और बोलेंगे दुनिया नकली है हाँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कंगना रनौत वर्सेस रणबीर कपूर के बारे में तो कंगना रनौत रणबीर कपूर के बारे में ये क्या बोल दी रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि एक रिपोर्ट बाहर आया कि अपेरेंटली रणबीर कपूर आलिया भट्ट एंड यश का एक रामायण बेस्ड मूवी आने वाला है जहां पर रणबीर कपूर लॉर्ड रामा का रोल प्ले करेंगे वेल ये न्यूज को सुनकर कंगना रनौत बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड वो अपने इंस्टाग्राम में ये कही रिसेंटली आई एम हियरिंग न्यूज अबाउट अनदर कमिंग अप बॉलीवुड रामायण वेर स्किनी वाइट रैट सो कॉल्ड एक्टर हुटली नीड समाइन एंड कॉन्शियस ही इज इन फेमस फॉर डूंग अंडर हैंड पी आर अबाउट ऑलमोस्ट एवरी वन इन दी इंडस्ट्री नोन फॉर वुमनाइजिंग एंड ड्रग एडिक्शन आफ्टर डेस्परेटली ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फॉर्ड शिव इन अट्रिलॉजी टू बीर्ड ड्रामा इसके बाद उन्होंने कहा वेर एज अंग सदन सुपर स्टार हु फैमिली मैन अ ट्रेडिशनलिस्ट ऑल्सो अडिंग टू वाल्मीकिजी डिस्क्रिप्शन लुक्स मोर लाइक लॉर्ड ड्रामा इन इज कम्पलेक्शन डिमीनर एंड फेशियल फीचर्स इज ऑफर टू प्ले रावनाट काइंड ऑफ कल युग इज नो पेल लुकिंग द्रगिस रणबीर कपूर को लॉर्ड ड्रामा का रोल नहीं मिलना चाहिए एक्टर यश को क्यूँकी वो इस चीज को ज्यादा डिजर्व करते हैं इसके बाद कंगना रोनाथ एक और स्टोरी अपलोड की इफ यू हिट मी वंस आई विल हिट यू टिल यू आर डेड डोंट मेस विद मी स्टे अवे एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी एंड शाहिद कपूर के बारे में तो so, रिसेंटली शाहिद कपूर साउथ इंडियन फैंस को बॉलीवुड मूवीज को सपोर्ट करने का रिक्वेस्ट किए जहाँ उन्होंने कहा की जैसे हिंदी ऑडियंस ने साउथ इंडियन फिल्म को एक्सेप्ट है वैसे ही उनको भी हिंदी फिल्म को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड तभी सिनेमा ग्रो होगा इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए आशीष भी ये कहे आई एम वेरी क्यूरियस रिगार्डिंग दिस टू ऑल फॉलोअर्स फ्रॉम साउथ विच इज योर मोस्ट फेवरेट बॉलीवुड हिंदी मूवी टिल डेट एंड इसके नीचे मैक्सिमम रिप्लाई शायद थ्री इडियट्स आया तो आशीष चंचला ने कहे थ्री इडियट्स फॉर द दिन एनिवेज anyway, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में तो शाहरुख खान एंड उनके फैंस एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिए दिएगा शाहरुख खान की मूवी पठान का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है एटीन जून को एंड इसीलिए स्टार गोल्ड ने एक मीटअप काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज किया जहाँ पर वो तीन सौ डाय हार्ट शाहरुख खान फैंस को बुलाए एंड फिर वो और एस आर के सब लोग मिलकर उनका आइकॉनिक पोज किए सो आफ्टर डूइंग दिस उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया ऑफ द मोस्ट पीपल परफॉर्मिंग द शाहरुख खान पोज साइमल्टेनियसली एनिवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बीस बॉय शुभ के बारे में so, बीस बॉय शुभ इंडियन गेमिंग यूट्यूबर्स को कुछ रिक्वेस्ट किए गाइस वो अपने लेटेस्ट वीडियो में जहाँ पर वो जंप किंग गेम को खेल रहे थे वहाँ पर उन्होंने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी से एक रिक्वेस्ट किया आप खुद सुन लीजिए ये गेम वैसे बहुत फन है लाइक like, मेरी समझ में नहीं आता भाई इंडियन गेमर्स इन गेम्स को क्यों ट्राई नहीं करते लाइक like, कितना फन होगा उनके रिएक्शंस भी देखना लाइक like, कैसे वो मैनेज करेंगे कितना अरेज करेंगे ये सब जो ये लिटरली एक ही गेम खेलते रहते हैं ना Like, सही में मैं चाहता हूँ भाई इंडियन गेमर्स भी ये वाली गेम्स भी ट्राई करें लाइक ऐसे एपिसोड्स बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ कितना फन होगा कम्युनिटी कंपेयर करेगी जब तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज दे के बारे में तो क्या मनोज दे एक बहुत ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज लाने वाले तो इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा एक दिन ऐसा बड़ा सरप्राइज दूंगा जिससे आप लोग जितने मेरे चाहने वालों में से हो और मेरा फैमिली सब शॉक्ट हो जाएगा वेट करो कर उस दिन का तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंस्टाग्राम टिक के बारे में तो क्या को पता ही होगा की ट्विटर में एक ब्लू टिक आ गया जिसको आप पे करके ले सकते हो बट अब इंस्टाग्राम में भी एक blue tick आ गया है जिसको ब्लूटिक्स जल्दी और मंथ अब ये चीज को सुनकर बहुत सारे खुश है बहुत लोग ना खुश है बट एक YouTuber आदर्श आदर्शी ने अपना एक बहुत ही अनलकी कहानी शेयर किया आप खुद उनसे ही सुन लीजिए कि मेरी किस्मत ही खराब है डेढ़ साल दो साल पहले मैं सोचता था कि यार जब मेरे दस हजार फॉलोअर हो जाएंगे ना तो मेरे को स्वाइप अप मिलेगा स्वाइप अप ठीक है तो मैं बड़ा खुश था उसके लेफ्ट साइड में मैंने बहन कर बहुत मेहनत करी दस हजार हो गए हमारे और जैसी दस हजार हुए उसके अगले दिन एक अपडेट आया इंस्टाग्राम का जिसमें स्वाइप अप ही हट गया स्वाइप अप हट गया और सबको लिंक वाला मिल गया हर लोगों को और अभी थोड़ा टाइम था कि मेरे को वेरीफिकेशन मिल जाए थोड़ा टाइम अच्छा चल रहा था मतलब ठीक ठाक चल रहा सब कुछ सही कि हाँ वेरीफाई हो जाऊंगा फाइनली ब्लू टिक लगेगा सबको लग रहा है हर कोई लगा सकता है पैसे देके बताओ यार So, या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेम आर्ट्स ने कम्पीट कर चुके रेनबो गर्ल ने कम्पलीट कर चुकी है वन मिलियन सब्सक्राइबर्स एन फ्रेजी ने भी कम्प्लीट कर चुके हैं वन मिलियन सब्सक्राइबर्स एन मिस्टर फैक्ट आइकन देवेंद्र को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन एंड फाइनली अनुफ जैन को भी मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेन टू ऑल ऑफ दल अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं हम लोग बात करने वाले ड्रीम के बारे में तो so, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ड्रीम ने अपना फेस अनरिवील कर दिया है अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तो जाकर एक बार वीडियो देख

है मेरे डिस्क्रिप्शन में तो so, यहां से सपोर्ट करते रहना नाम मिलते नेक्स्ट वीडियो में टिल दिन बाय